सहारनपुर थाना क्षेत्र की है, जहां कोतवाली नगर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा घेर चैम्बर यानी कि मोरगंज व कक्कड़गंज बाजार में हुई चोरी का खुलासा किया गया है। चार चोरों को गिरफ्तार किया भी गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम सहारनपुर के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम व स्वाट टीम द्वारा आपको बता दें, चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर जुबली पार्क रामलीला मंच के पास से अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चार अपराधी शामिल। गिरफ्तार अभियुक्त गणों के कब्जे से दो नाजायज तमस्चे 315 बोर, चार नाजायज कारतूस 315 बोर व दो नाजायज चाकू व एक लोहे की रॉड व एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी एक्टिवा व एक स्कूटी एक्टिवा बिना नंबर प्लेट व 64,000 रूपये नगद बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्त गण पंकज अंकित व अभिषेक ने मिलकर थाना सरसावा क्षेत्र में एक स्कूटी व नकदी लूट ली थी, जो स्कूटी अभियुक्त गण की निशानदेही पर बरामद की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप कहीं मत जाएगा, TTN24 न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। और जो इसमें अक्षय था, अक्षय अभी पता चला था कि किसी में उसने सुसाइड कर लिया है कुछ दिनों पहले, उसका भी आपराधिक इतिहास था। इन तीनों का मेन आपराधिक इतिहास है, बाकी का आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला है। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी SOG टीम जो थी कॉन्टीन्यूसली उस CCTV जितनी भी फुटेजेज आई थी उनको मॉनिटर कर रही थी, और किसी तरह मुखबिर की सूचना में पता चला कि उसमें से एक जहाँ पे इन्होंने थोड़े केयरलेस हो गए थे, जहाँ पे इन्होंने अपना नकाब उतार दिया था, उसमें से पंकज आइडेंटिफाई हो गया था। तो पंकज को जब हमने पूरा स्टडी किया, पंकज के हमने कॉल डिटेल को स्टडी किया, हमने जिस लोगों से मिलता है, जो लोग इसके साथ टच में रहते थे, पूरा स्टडी करने के बाद ये पूरा गैंग के बारे में अनावरण हो पाया। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा गिरफ्तारी करने वाली टीम को 21,000 रुपये इनाम दिए गए हैं। इनके पास से 64,000 रुपये नकदी बरामद हुई है, एक एक्टिवा बरामद हुई है जो इन्होंने 8 लाख की जो चोरी की थी उससे खरीदी थी, इसी तरह एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, वो भी इसी तरह इन्होंने चोरी के पैसों से खरीदी थी, और इनके पास से कुछ अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं, और एक इन्होंने सरसावा में लूट की थी, उसमें जो लूट जिससे करी थी स्कूटी में, वो भी इनके पास से मिली है। ट्रैक्टर ट्रॉले की चपेट में आए बुलेट सवार एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, जिले के आला अधिकारी मौत। धड़ल्ले से अवैध रूप से आपको बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली चल रहे हैं, ओवरलोड गन्ने का परिवहन से आम जन जीवन को काफी खतरा हो रहा है। जो ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड करके अवैध तरीके से शहरों में चलते हैं, उसके चलते हर रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं। आज सपहा कसिया बाईपास पर आदित्य होटल के पास ये बड़ा हादसा हुआ। बुलेट में मोटरसाइकिल से अपने छोटे भाई रितेश को छोड़ने जा रहा था बड़ा भाई दुर्गेश, जिस दौरान ये हादसा हुआ। दुर्गेश को क्या पता था कि आज आखिरी दिन है, उसने अपने छोटे भाई को लेकर कसिया आ रहा था कि होटल आदित्य सपहा रोड के चौक पर सोनाली का ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदा गन्ना लिए आ रहा था। दुर्गेश बुलेट पर अपने छोटे भाई रितेश सिंह के साथ ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिसके चलते दुर्गेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गन्ना लगे ट्रैक्टर ट्रॉली पर ओवरलोड गन्ना लेकर बिरला सुगर फैक्ट्री ताड़ा के लिए जाते समय कसिया होटल आदित्य के सामने सपहा रोड से नेशनल हाईवे की ओर जा रहे दुर्गेश और उसके छोटे भाई को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुटी है। जो भाई ये जो टाली से घटना हुई है, कौन कौन लोग मरे हैं और कहाँ के लोग रहने वाले, क्या क्या नाम है? लड़के का नाम रितु कुमार सिंह है जी, जो बस्ती में पार्किंग ड्यूटी की है। हाँ है वर्तमान ड्यूटी में। हाँ दूसरा आदमी जो उनके बड़े भाई हैं रितु कुमार सिंह, हाँ जो बस्ती मंडी के मेंबर हैं। अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे लोग? जा रहे थे ड्यूटी करने जा रहे थे। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजीव कुमार सिंह। घर कहाँ आपका? कोकरविंडा, घर थाना त्रिपट्टी है जी, थाना त्रिपट्टी है।
जनपद के गढ़वार थाना क्षेत्र के चोगड़ा चट्टी की है, जहां ट्रक की टक्कर हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने नगरा बलिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। वहीं गढ़वार थाना पुलिस के पहुंचने के बाद ग्रामीणों तथा पुलिस में जमकर नोकझोंक हुई। घटना की सूचना पाते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद हो गई तथा घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला जेल में बंदियों से किया सीधा संवाद, उनकी समस्याएं सुनी। राज्य मंत्री ने बताया कि कई बंदी भावुक हो गए और उन्होंने अन्य बंदियों से ऐसी गलती दोबारा न करने की अपील की, जिससे जेल न जाना पड़े। संवाद के दौरान राज्य मंत्री ने बंदियों से अपने आचरण में सुधार लाकर एक अच्छा नागरिक बनने की अपील की। राज्य मंत्री ने जेल में रहते हुए बंदियों को कौशल विकास प्रशिक्षण से विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष होने की अपील की। बंदियों को गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। उन्होंने कहा मंत्र के जाप करने से शांति मिलती है और अच्छे विचार भी आते हैं। तमाम बातें राज्य मंत्री द्वारा कही गई। राज्य मंत्री ने जिला कारागार की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए अधिकारियों की सराहना की। ओडीओपी योजना के अंतर्गत हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग केंद्र का फीता काटकर राज्य मंत्री ने शुभारंभ किया। बंदियों के द्वारा ओडीओपी योजना के अंतर्गत निर्मित उत्पादों के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश भी राज्य मंत्री ने दिए। राज्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जेल में स्वास्थ्य सुविधाओं को सही करने के लिए एम्बुलेंस भी बढ़ाने को कही गई है। खबर कन्नौज से आ रही है, जहां पुलिस बनी बाराती, फिर विदा हुई दुल्हन। कोतवाल राजकुमार सिंह की मौजूदगी में स्कूटी से विदा की गई दुल्हन। डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद, जनाती व बरातियों में हुई थी मारपीट। लड़की पक्ष से अभद्रता के बाद मारपीट की गई थी, बवाल बढ़ा तो बराती फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराकर शादी संपन्न कराई। सदर कोतवाली क्षेत्र के कुंज बिहारी धर्मशाला में मैनपुरी से बारात आई थी, जिसके बाद विवाद के बाद बराती वहां से भाग गए, लेकिन पुलिस ने इस शादी को संपन्न कराया।